नमस्कार, आप देख रहे हैं थारू समाचार यूट्यूब चैनल और मैं राजन एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ। आज हम बात करने वाले हैं थारू समाज से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में, यानी हमारी जड़ें कहां से निकली और हमारे पूर्वज कौन थे। वैसे इतिहास के पन्नों को पलट के देखा जाए तो हमारा इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। इस संबंध में दोस्तों पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। थारू समाज सनातन परंपरा का एक सच्चा वाहक है। वास्तव में हमारी सोसाइटी हिंदू संस्कृति को अपने अंदर समेटे हुए है। हम वीर प्रतापी महाराणा प्रताप के वंशज हैं। इतिहास की माने तो 16वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूताना क्षेत्र में मुगलों का आक्रमण हुआ था। उसी दौर में हमारे पूर्वज अपने आत्मसम्मान और धर्म को बचाने के लिए गंगा की इस तलहटी में आकर बस गए। कहते हैं कि उस समय 12 राज परिवार तराई क्षेत्र के कैलाश नदी के किनारे नंधौर में आवसे, इसीलिए इस जगह का नाम 12 राणा पड़ा। उसके बाद हमने अपने वंश सिसोदिया के नाम से सिसोना, चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह के नाम से रतनपुर, पूरन सिंह के नाम से पूरनपुर और प्रताप सिंह के नाम पर प्रतापपुर बसाया। ऐसे ही हमने पूरा तराई क्षेत्र आबाद कर दिया। उधर नेपाल में भी हमारे पूर्वज जावसे। उत्तराखंड के अलावा यूपी बिहार में भी हमारी अच्छी खासी तादाद है। थार राजस्थान से संबंध होने के कारण हमें थारू कहा जाता है। हमारे इसी इतिहास पर ज्यादातर थारू विद्वान मुहर लगाते हैं। तो इस प्रकार आपने जाना दोस्तों इस क्षत्रिय वंशी समाज के इतिहास के बारे में। ऐसे ही वीडियो को लेके हम आपके सामने दोस्तों हाजिर होते रहेंगे, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लाइक, कमेंट और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।